देखिए हमारा भारतवर्ष और बांग्लादेश का सीमा त्रिपुरा आसाम वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला ऐसा है जो झारखंड का पाकुड़ जिला से सटा हुआ है। अगर आप लोग आज 20 साल का जनसंख्या आप लोग देखें, यहाँ का जो वोटर लिस्ट आप लोग देखें, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि संथाल परगना और उनका बाहर में भी 20% से घुसपैठियों का संख्या 50-60% तक बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ रहा है। अगर ये जो डेमोग्राफिक इन्वेशन है, अगर आप लोग अभी नहीं रुकवाता है, तब आप लोगों का स्थिति भी असम जैसा हो जाएगा। आज असम में 40-42% हमारे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन का डेमोग्राफी चेंज हुआ है। 1951 में जो 12-14% था, आज जाके 42-40% हुआ है। बंगाल में भी आज करीबन 30% तक जा रहा है। कल में एक मुर्शिदाबाद में गया तो एक मुर्शिदाबाद का टीएमसी का विधायक है, उनका वीडियो क्लिपिंग मैंने देखा कि देखो हम लोग 70% हो चुका हूँ, आप लोग 30% हो, जब भी हम चाहे तो आपको हम लोग निकाल देंगे। ये टीएमसी विधायक है और वो कौन सा कम्युनिटी से है, मुसलमान समाज से है, और किसको धमका रहा है, हिंदू समाज को। कल मैंने पाकुड़ में गया, तारानगर गोपीनाथ नगर दोनों गांव का ऊपर दबाव है कि गांव खाली करो, और लोग पाकुड़ सदर में आके बैठा हुआ है 50 फैमिली। साथ में मैंने गायबाथान गया, वहां में मैंने देखा घुसपैठियों ने हमारा आदिवासी लोगों का जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है। 2015 में ही कोर्ट का आदेश हुआ कि आदिवासी को जमीन लौटा दो, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। मेरा इतना ही निवेदन है कि राजनीति चलेगा, राजनीति रहेगा, चलेगा, सरकार आएगा जाएगा, लेकिन ये प्रदेश को बसाने का जिम्मेदारी सब पार्टियों का है। मैं हेमंत सोरेन जी से निवेदन करूंगा कि घुसपैठी का जो मुद्दा है, डेमोग्राफिक इन्वेशन का जो मुद्दा है, आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं, मेरा बात मान लीजिए, 30 साल का बाद झारखंड का कोई मुख्यमंत्री घुसपैठी बैठेगा हॉल में, और झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो घुसपैठियों का सामने सरेंडर करके हाथ उठा के बैठे। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या इसके लिए क्या करिएगा? देखिए, सरकार आने से तो हम भरपूर प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, घुसपैठिया कैसे आते हैं, कोई ना कोई हमारे लोग अनजाने में हम लोग संरक्षण दे देते हैं। एक बार जब हमसे संरक्षण हो जाते हैं, तब ये विषय आगे बढ़ते रहते हैं। सबसे पहला है झारखंड में इस विषय का ऊपर एक कंसेंसस बनाना कि भाई ये डेंजरस ट्रेन हो रहा है। मैं तो मानता हूँ कि आप लोगों का एक टीम मेरा असम में भी आना चाहिए, देखना चाहिए ये कितना डेंजरस ट्रेंड है। फिर झारखंड में जनताओं का बीच में एक बार बन जाएगा कि मैं घुसपैठियों को आने नहीं दूंगा, तो ये स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए झारखंड का पूरा पत्रकार को मैं निवेदन करूंगा, कोई दिन आप लोग समय निकाल के असम में आइए, आप लोगों को समझ में आएगा कैसे घुसपैठिया के बैठता है। फिर हिंदू गांव होता है, या तो पैसा देके या तो गाय काट के बीच में रख देते, धीरे धीरे हिंदू लोग गांव से भागना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है, और वही पैटर्न कल मैं पाकुड़ में देख के आया हूँ। जो असम का जो पैटर्न है वही पाकुड़ का पैटर्न है, लेकिन झारखंड में सुविधा है, आपका कोई लैंड का कानून है, अच्छा अच्छा कानून है। अगर आप लोग आदिवासियों का जमीन से साटे हो, तो घुसपैठियों को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। अभी तक हमारा सरकार आने से हम लोग भरपूर प्रयास करूंगा। सर, आपने वहाँ पर आप असम में मदरसा बंद कराए, सरकारी स्कूल को बढ़ावा दिए। देखिए, असम में हमने मदरसा को बंद किया,
और चंडीगढ़ जितना बड़ा है इतना जमीन में घुसपैठी उससे मुक्त करवाए और ये अभियान मेरा चलते रहते है। थोड़ा लेट हुआ लेकिन हम लोग 3-4-5 साल से घुसपैठियों का ऊपर निरंतर हम लोग संविधान का अनुसार हम लोग आक्रमण कर रहा हूँ भाई, ये नहीं है। तो उसका कारण असम में कुछ धीमा भी आया होगा लेकिन डैमेज इज ऑलरेडी डन, जो क्षति होना था वो हो चुका है। कितना दिन हम लोग बस के रहता हूँ यही एक बंगाल भी उसी स्थिति में है, अब झारखंड भी वैसे ही लग रहा है। असम नंबर 1 में है, बंगाल नंबर 2 में है, झारखंड नंबर 3 में और त्रिपुरा नंबर 4 में। तो ऐसे ही घुसपैठिया का हो रहा है, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये झारखंड का अस्मिता का मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक चीज बताइए कि आप झारखंड के प्रभारी के रूप में आया लोग विधानसभा चुनाव के लिए, जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में 6 विधानसभा है, आपकी स्थिति 6 विधानसभा में खराब है, एक एक विधानसभा में 6-6 प्रत्याशी हैं, किस तरह से इसको आप मोटिवेट करेंगे? दूसरा सवाल इसी में है कि जिन लोगों को 2019 में निष्कासित किया गया है बीजेपी से, क्या उन लोगों की घर वापसी होगी? देखिए जो हिंदू है सब ठीक है, हिंदू का घर है भाजपा, सबको आने दीजिए, साथ मिल के चलूंगा, कोई हमारा विपक्ष में लड़े ना लड़े मेरा उसमें कोई शिकायत नहीं। तो हिंदू एकत्रित रहना चाहिए, हमारा समाज एकत्रित होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सब बात में ये पार्टी मांगा है नहीं मांगा है, मैं छोटा विषय में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। झारखंड का प्रजा वोट देगा, जनता वोट देगा, अगर हमारा नियत ठीक होगा हमें वोट मिले। देश में हिंदू मुस्लिम मुद्दा है ही, अगर हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है तो पाकिस्तान कैसे बना? तो देश का शुरुआत से ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना हुआ है। अगर मैं बोलूँ वो मुद्दा नहीं है और झूठ बात है, कांग्रेस क्या मुसलमानों को वोट बैंक नहीं करते हैं? तो आप जो बोलते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रहा है, कम से कम बीजेपी तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, कांग्रेस तो खाली मुसलमान मुसलमान कर रहा है। राहुल गांधी भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना हो, बिहार में भी हुआ है और कभी देश में भी होगा वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी अपना जाति का नाम नहीं बोलना चाहते। अगर खुद अपना जाति का नाम नहीं बताते हैं तो जाति जनगणना कैसे होगा? बोलते हैं मेरा जाति का नाम क्यों पूछा, अरे बिना जाति पूछ के जनगणना कैसे होगा? तो ये फॉर्मूला हमें राहुल से सीखना है कि बिना जाति का नाम बताते हुए जाति का जनगणना कैसे होगा। पहले राहुल ये फॉर्मूला बांटे, बोले जैसे आलू से सोने सोना हो जाते हैं, ऐसा उनका जो फॉर्मूला है पहले सदन में बोले, फिर हम लोग विचार करेगा। इसलिए राहुल ने बोल दिया कि मेरा जाति क्यों पूछते हो, मतलब मोदी का जाति पूछ ले, अमित शाह का जाति पूछ ले, लेकिन हमारा जाति मत पूछ, ऐसे समाज चलता है क्या? आज संगठन का बैठक में आए सर, क्या मंत्र? थोड़ा मिल के जाऊंगा, यही बोलना है कि भाई देखिए एक साथ लड़ना है, झारखंड का अस्मिता का किए लड़ना है, कोई विधायक बने ना बने ये बराबर नहीं है, बराबर ऐसा ही झारखंड को बसाना है। सर अगर आप बीजेपी जीतेगा तो घुसपैठियों की जिम्मेदारी केंद्र का घुसपैठ जिम्मेदारी तब होगा अगर अंदर में घुसपैठी नहीं है। हमारा अंदर में घुसपैठी है, अगर केंद्र को जिम्मेदारी दे दिया जाता है हम लोग तो बहुत खुश होगा। सर बीजेपी बीजेपी अगर जीतेगा तो मुंडा या मरांडी कौन चीफ मिनिस्टर? एक मिनट, झारखंड सरकार हमें एक पत्र लिख देते हैं कि झारखंड से घुसपैठिया बाहर करने का जिम्मेदारी केंद्र का है और स्टेट सहयोग करूंगा, तो मैं तो हेमंत सोरेन को हीरो बोल के जाऊंगा। एक पत्र आप लोग हमें लेके दीजिए, मुंडा या मरांडी से घुसपैठियों को बाहर करने का जिम्मेदारी किसका है? केंद्र का, ये लिख के दे।
बाकी झमेला हम विधानसभा में मुख्यमंत्री आपका मुंह में घी सककर कम से कम कोई लोग नहीं बोलते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कम से कम तो आप बोल रहे हैं, आपको धन्यवाद। फिर आगे देखा जाएगा।